एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाता हूँ। जानने से पहले वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन आता है। एक बुढ़िया की जब मृत्यु होती है, उसे यमराज अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं। फिर बुढ़िया ने यमराज से एक सवाल पूछा कि मुझे स्वर्ग ले जाओ कि नर्क। यमराज जी ने जवाब दिया, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आपको स्वर्ग मिलेगा। बुढ़िया ने यमराज से आग्रह किया कि मुझे स्वर्ग ले जाने से पहले नर्क और स्वर्ग दोनों का दर्शन करना है। तब यमराज बुढ़िया को सबसे पहले नर्क दिखाने के लिए लेके जाते हैं। नर्क में सभी लोग दुबले पतले भूख से तड़प रहे हैं। तभी बुढ़िया को वहाँ पे 1000 फीट ऊंचा एक पतीला दिखाई देता है। वह पतीला बहुत सारे पेड़ों से घिरा हुआ था। फिर बुढ़िया ने नर्क के एक आत्मा से पूछा, इस पतीले में क्या है? आत्मा ने जवाब दिया कि इस पतीले में बहुत ही स्वादिष्ट खीर है, पर हम इसे खा नहीं सकते क्योंकि इतने ऊंचाई पे हम कभी जा नहीं सकते, इसीलिए आज हम भूख से तड़प रहे हैं। अब बूढ़ी माँ यमराज के साथ स्वर्ग पहुँचती है। स्वर्ग में ही उतना ही ऊंचा पतीला पड़ा हुआ था खीर से भरा हुआ। बूढ़ी माँ एक आत्मा से पूछती है, ये खीर इतना ऊंचाई पर स्थित है, फिर आप इस खीर को खा तो पाते नहीं होंगे, इसीलिए आप सभी को भूखे रहना पड़ता होगा। आत्मा ने हंसते हुए जवाब दिया, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। उस खीर तक पहुँचने के लिए इस पेड़ की मदद से हमने बहुत बड़ी सीढ़ी बना लिया है, जिसकी मदद से ऊपर चढ़ के हम बहुत सारे खीर खा सकते हैं और अपनी भूख मिटा सकते हैं। बुढ़िया समझ गई कि भगवान ने स्वर्ग और नर्क सभी कुछ मनुष्य के हाथ में ही सौंपा है। ऐसे वीडियो खत्म होने से पहले कमेंट में हरिओम जरूर लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।